इश्की तुझे पता है आजकल लोग घर पर ही सब्जी उगा रहे हैं, चलो हम भी ट्राई करते हैं। देख मुझे है ना टमाटर बहुत पसंद है, तो हम सबसे पहले टमाटर ही उगाएंगे। ठीक है मेरी प्यारी टमाटर, चलते छत पर। इसी तरह मैंने और मिशा ने मिशा के घर की छत पर ही टमाटर उगाना शुरू किया। पर जब हमने छत पर टमाटर उगाना शुरू किया उसी वक्त मेरी नज़र छत पर एक बंद कमरे पर पड़ी। मैंने उसे जब खोलने की कोशिश की तो वो कमरा खुल ही नहीं रहा था। तब मैंने मिशा से पूछा, अरे मिशा ये तेरी छत पर जो कमरा है उसकी चाबी कहाँ है? अरे इश्की गलती से भी उस कमरे को मत खोलना, वो राजवीर भैया का खुफिया कमरा है, वहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। मिशा जो राजवीर सिंघानिया की बहन थी अपने ही भाई से बहुत डरती थी, और डरना भी जायज ही था क्योंकि राजवीर सिंघानिया दिल्ली शहर के सबसे खतरनाक बिजनेसमैन में से एक थे। एक दिन जब मिशा अपने कमरे में सो रही थी तब मैंने सोचा क्यों ना उस खुफिया कमरे की चाबी ढूंढी जाए और अंदर देखा जाए कि आखिर ऐसा क्या राज छुपा था उस खुफिया कमरे में। उस दिन इत्तेफाक से राजवीर भी घर पर नहीं थे, तो मैंने मौके का फायदा उठाकर राजवीर जी के कमरे से उस खुफिया कमरे की चाबी उठाई और पहुंच गई छत पर उस खुफिया कमरे को खोलने। पर जैसे ही मैं उस खुफिया कमरे में घुसी तो मैंने वहाँ दीवारों पर 10-10 फुट की पेंटिंग्स देखी, पर सारे पेंटिंग्स पर कवर चढ़ा हुआ था। मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए क्या है इन 10 फुट वाली पेंटिंग्स में, और ये सोचकर मैंने पेंटिंग पर से कवर उतारना शुरू किया। जैसे ही मैंने पेंटिंग से कवर उतारा तो मैंने जो देखा उसे देख मेरा मुँह खुला का खुला रह गया। अरे ये क्या, इन सारी पेंटिंग्स में सिर्फ एक ही शख्स की तस्वीर है, वो भी सिर्फ। जैसे ही मैं उस कमरे से निकल रही थी तो अचानक से मेरे फोन पर एक कॉल आया, वो नंबर देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हेलो क्या, लेकिन क्यों? फोन पर कोई और नहीं बल्कि राजवीर जी थे, और उन्होंने कहा तो कैसी लगी पेंटिंग इश्की? ये सुन मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया, पर राजवीर जी रुके नहीं, उन्होंने मुझे फिर और भी कुछ कहा। इश्की तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, तुम जिस कमरे में हो उसी कमरे में एक तिजोरी है, उस तिजोरी की चाबी वहीं कमरे में टंगी है, मैं चाहता हूँ तुम वो तिजोरी खोलो। राजवीर जी को इस समय मना करना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए मैं ना चाहते हुए भी वो तिजोरी खोलने के लिए तैयार हो गई। फिर मैंने कहा ठीक है राजवीर जी आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैंने फिर हिम्मत करके उस तिजोरी को जब खोला तो उस तिजोरी में कुछ ऐसा देखा जिसे देख मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर ऐसा क्या था उस तिजोरी में जिसे देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई? कैसे पता चला राजवीर जी को कि मैं छुपके से उनके खुफिया कमरे में हूँ? किसकी पेंटिंग्स थी राजवीर जी के खुफिया कमरे में? क्या राज था राजवीर जी का उस तिजोरी और उन पेंटिंग्स को लेकर? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अभी सुनिए डेविल से शादी सिर्फ पॉकेट FM पर।